अगर आपको मोटिवेशनल वीडियोस या कहानियाँ देखना पसंद है तो हमारे नए चैनल सौरभ ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जो भी दुबई जाता है वो अमीर होकर लौटता है, पर ऐसा क्या है जो वहाँ के लोगों को अमीर बना देता है? आपका जवाब होगा तेल। अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि दुबई तेल के कारण अमीर है, पर ऐसा बिल्कुल गलत है। तो फिर दुबई इतना अमीर कैसे है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ सौरभ, आप देख रहे हैं रिवीलिंग आइस। चलिए शुरू करते हैं। दुबई को घूमना एक अलग ग्रह को घूमने जैसा है, क्योंकि यहाँ की हर चीज अनोखी होती है। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा भी यही है। यहाँ की पुलिस पेट्रोलिंग के लिए दुनिया की सबसे महंगी कारें यूज करती है। पर सवाल ये आता है कि इन सब के लिए दुबई के पास पैसा आता कहाँ से है? दुबई अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक है। इकोनॉमिक पावर इंडेक्स रैंक के हिसाब से 2017 में दुबई दुनिया के सबसे अमीर शहरों में 48वें नंबर पर था, जो अब और ऊपर हो गया है और आने वाले समय में और ऊपर चला जाएगा। दुबई में 14 बड़े अरबपतियों का घर है और साथ ही 2000 बड़ी कंपनियों का हेडक्वार्टर भी है। इन सब की कुल वैल्यू $65 बिलियन की है, जिस कारण दुबई को अच्छा खासा फायदा होता है। दुबई एक टैक्स फ्री जोन है, पर यह पूरी तरह से टैक्स फ्री नहीं है। दुबई के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा टैक्स से भी आता है। अब आप बोलेंगे कि दुबई में टैक्स लगता ही नहीं, फिर भी टैक्स कैसा? पर ऐसा ही है, दुबई में भी टैक्स लगता है। दुबई में सिर्फ आपकी पर्सनल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता, दुबई में कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। विदेशी तेल कंपनियां जो दुबई में स्थित हैं, उन पर भारी टैक्स लगता है। ऐसे ही विदेशी बैंकों पर भी 20% तक टैक्स लगा दिया जाता है, जिस कारण दुबई का अच्छा खासा मुनाफा होता है। जब हम दुबई के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में तेल के कुएं का ख्याल आता है, जो थोड़ा बहुत तो सही हो सकता है। इतिहास में जो भी पैसे दुबई को तेल से मिले, वो दुबई ने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगाए और रियल एस्टेट, टूरिज्म और फाइनेंस को डेवलप किया, जिससे दुबई को 26% से अधिक रेवेन्यू मिलता है। इसी तरह ट्रेड इंडस्ट्री से 16% और फाइनेंस इंडस्ट्री से 11% मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं, तेल के कुएं हमेशा नहीं रहने वाले, और सर्वे तो ये भी बताते हैं कि आने वाले 20 सालों में दुबई के तेल के कुएं खत्म हो जाएंगे, और ये बात दुबई की सरकार अच्छे से जानती है, जिस कारण वो तेल पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं और बाकी तरीकों से धन कमाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई तेल से बस 4% ही रेवेन्यू कमाता है। दुबई ने बुर्ज खलीफा जैसी इमारत और बुर्ज अल अरब जैसा मॉल बनाया, जो दुनिया में सबसे बड़े हैं। साथ ही दुबई के बस स्टॉप एयर कंडीशन्ड हैं, जो दुनिया में और कहीं नहीं, जिस कारण ये एक बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। 2014 में दुबई टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में 5वें स्थान पर था, जिस कारण यहाँ टूरिस्ट की संख्या बढ़ रही है, जिससे दुबई सरकार अच्छा खासा रेवेन्यू कमा लेती है। साथ ही यहाँ का टोल टैक्स भी बहुत ज्यादा है, जो अच्छा मुनाफा देता है। दुबई दुनिया भर के अरबपतियों पर फोकस कर रहा है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई में दुनिया में किसी भी और शहर की तुलना में सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं, जिस कारण बड़ी कंपनियां दुबई का रुख कर रही हैं। बहुत से बुटीक दुबई में ही सेटल हो गए हैं, क्योंकि यहां उन्हें लेबर सस्ते मिल जाते हैं। पर यहां किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट करना आसान काम नहीं है। यहां बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक बिजनेस लाइसेंस लेना पड़ता है, जो काफी महंगा होता है। साथ ही यहां की गवर्नमेंट सर्विसेज भी बहुत महंगी होती हैं, जिस कारण दुबई का रेवेन्यू और भी बढ़ जाता है। तो अब ये मत सोचिएगा कि दुबई तेल की मेहरबानी से इतना अमीर हुआ है। दुबई अपने मैनेजमेंट के कारण इतना अमीर शहर बना है, जो आगे और तरक्की करेगा। भारत और बाकी देशों को भी इससे कुछ सीखना चाहिए और अपने देश को भी इस तरह डेवलप करना चाहिए, ताकि पैसे कमाने की चाह में एक बेटा अपनी माँ से कभी जुदा ना हो और अपने देश में ही रहकर अपनी और देश की तरक्की में साथ दे। हमें कमेंट में दुबई की सबसे खूबसूरत चीज जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप दुबई के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए।